MI की क्रिएशंस पर खुश आमदीद। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने कुल्लू उस्मान सीज़न 6 का पहला ट्रेलर देख लिया होगा, जिसका शायकीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और एक्शन से भरपूर था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मुख्तसरन बात करेंगे कुल्लू उस्मान सीज़न 6 के पहले ट्रेलर के मुतालिक, और शायकीन के माइंड में जो शक व शुबहात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस मुख्तसर मगर अहम वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ट्रेलर के आगाज़ में उस्मान बे के दो बड़े दुश्मनों को दिखाया गया, जिनमें से एक का नाम कारासी बे है जबकि दूसरा कमांडर लुकास है। इसलिए सीजन 6 के आगाज़ में उस्मान बे इन दो बड़े दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए और इनके साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। कमांडर लुकास उस्मान बे के खिलाफ खतरनाक प्लान्स बनाएगा ताकि उस्मान बे की बढ़ती हुई सल्तनत को रोका जा सके। जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि उसके पास एक खुफिया संदूक है जिसमें या तो सोना होगा या फिर कोई अहम सामान होगा जिसको वो उस्मान बे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसी तरह कारासी बे भी उस्मान बे के खिलाफ प्लान्स बनाएंगे और उस्मान बे की सल्तनत और उसकी ताकत को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक अजीम और बड़ा तुर्क सरदार ना बन जाए, क्योंकि आपने ट्रेलर में देख लिया कि कारासी बे समंदर के किनारे पर किसी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनके पास एक खुफिया मंसूबा उस्मान बे के खिलाफ जरूर होगा। इसके अलावा कुल्लू उस्मान सीजन 6 में उस्मान बे सल्तनत उस्मानिया की जड़ों को बढ़ाने के लिए मजीद किलों और जमीनों को फतह करेंगे, क्योंकि आपने ट्रेलर में देख लिया कि उस्मान बे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस किले को फतह किया जा सके। इसके अलावा इस सीजन के अख्तिताम पर उस्मान बे तुर्कों के एक अजीम सरदार बन जाएंगे। चंद मजीद अहम सवालात के जवाबात हम अपनी आने वाली वीडियोस में देंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो मजीद सवालात और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।